अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति स्पेशल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 02452, जो कि एवरी डे न्यू दिल्ली से रात 11:55 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 6:30 में कानपुर सेंट्रल पहुंचाती है। और न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में इस ट्रेन का सिर्फ एक ही हॉल्ट है, वो है पंकी धाम स्टेशन। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और ट्रेन है 11:55 में। आपका भाई ने डिनर कर लिया, वैसे बैग में कुछ लाए हैं, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर। यहाँ जिनका टिकट नहीं है उन्हें स्टेशन से बाहर निकाला जा रहा है। बिना टिकट के भी लोग यहाँ लेटे हुए हैं, आप देखिए काफ़ी लोग। सो गाइज, प्राप्त सूचना के अनुसार अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आने वाली है, तो यहाँ से हम लोग अभी इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो अभी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ज़्यादा लगेज लेके नहीं आए हैं, सिर्फ एक बैग है। और आप देख सकते हैं यहाँ मार्किंग किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो जब भी अगर आप आए तो हमेशा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ये रहा अपना बैग, और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे कितना भीड़ है। सामने लगी हुई है प्रयागराज एक्सप्रेस और पैसेंजर सभी अंदर में है। अभी काफ़ी पैसेंजर बाहर वेट कर रहे हैं, आप देखिए कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं। सो अभी भी हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे हैं। वैसे आपका भाई पानी लाया था, लेकिन फिर भी एक बोतल एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कहीं रात में प्यास रहेगा। बीच में कहीं हॉल्ट नहीं है, पंकी धाम स्टेशन ही हॉल्ट है। तो भैया एक पानी ये। सो हमने पानी ले लिया, वैसे एक एक्स्ट्रा रखे हुए हैं बैग में। अब यहाँ से निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। आप रस देख सकते हैं कितना रस है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। तो यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। हम लोगों को तो बताया गया कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कंपलसरी है, लेकिन अभी तक तो चेक नहीं किया गया है किसी को भी, टिकट भी चेक नहीं किया गया अभी तक। शायद ट्रेन में चेकिंग हो, सिर्फ अभी तक स्क्रीनिंग हुआ है। और आज हम लोग जर्नी करेंगे स्लीपर क्लास में। चलिए चलते हैं अपनी कोच की ओर। और आप देख सकते हैं सभी स्टॉल खुल चुका है यहाँ। आपको लेस, कुरकुरे, बिस्किट, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स सभी आपको मिल जाएंगे। ये रहा S4, इसके आगे अपनी कोच है S5। S5 में सीट नंबर 63, साइड लोअर, लेकिन अभी कोच फ़िलहाल बंद है, सभी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, हमको भी यहीं वेट करना होगा। सो गाइस, तो कुछ देर में अपनी ट्रेन निकलने वाली है, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे आप सभी को पता ही होगा, अगर अब आप ट्रेन जर्नी करेंगे कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मुझे तो नज़र नहीं आया सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन आपको दूसरे को नहीं देखना है, अपना देखना है। तो अपने आप को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और साथ में एक मास्क रखना है ज़रूर, हमेशा लगा के। अगर मास्क नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, अपना देसी जुगाड़ गमछा गर्दन पर डाले, जब ज़रूरत पड़े तो उसे लपेट ले। और तीसरी बात, आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी है। वैसे मैं आया तो किसी ने चेक नहीं किया, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप आप फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और जर्नी टाइम से 90 मिनट पहले आपको स्टेशन
पहुंचना होगा। और मैं चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या कैरी किया है बैग में। ये ग्लव्स है अपना, और ये ग्लव्स जो है ना रीयूजेबल ग्लव्स है, मैं लगाया हुआ था अभी मैंने निकाल लिया क्योंकि पसीना काफ़ी आ रहा है, गर्मी काफ़ी है इस वजह से अभी हमने निकाल लिया है, फिर बाद में हम डाल लेंगे। और मास्क आपने देख ही लिया, ये रहा मास्क, गर्मी काफ़ी है, हाँ थोड़ी सांस ले लेते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बैग में क्या क्या है। हमने दो फ्रूटी लिया है और बिस्किट है इसमें। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ स्टॉल खुला हुआ है, फूड का स्टॉल खुला हुआ है, वहाँ आपको बिस्किट पानी कोल्ड ड्रिंक्स लेज कुरकुरे सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम घर से लाए थे जुगाड़, ये पतंजलि का बिस्किट है ये रहा, और इसमें एक और ग्लव्स है एक्स्ट्रा, दो ग्लव्स है, दो एक्स्ट्रा ग्लव्स हमने लाया है, और यही रहा। और एक बात और गाइज मैं आपको बता दूं, अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पे एंट्री दोनों साइड हो रहा है, अजमेरी गेट साइड और पहाड़गंज साइड, पहले एक ही साइड होता था पहाड़गंज साइड, लेकिन अब एंट्री एग्जिट दोनों साइड हो रहा है, अजमेरी गेट पहाड़गंज दोनों साइड हो रहा है। और एक बात मैं भूल गया, सैनिटाइज़र आपको कम से कम 100 ml का सैनिटाइज़र अपने पास रखना, छोटा सा बोतल, इसे हमेशा अपने पॉकेट में रखना है, जैसे आप मोबाइल अपने पास रखते हैं उसी तरह इसको भी आप मोबाइल समझ लें, जैसे हमेशा मोबाइल निकाल के देखते हैं किसका मैसेज आया, चैट करते हैं, उसी तरह इसको हमेशा निकालना है और यूज़ करना है, तो इसे आप एक मोबाइल ही समझिए, इसे पास में हमेशा रखना है। तो पीते हैं मैंगो ड्रिंक, उसके बाद फिर ट्रेन निकलेगी, तो मैं फिर आपको डिपार्चर दिखाऊँगा। वैसे गर्मी बहुत है यार दिल्ली में, बहुत गर्मी है। सो गाइस तो कोच खुल चुका है, अब चलते हैं अंदर। बहुत दिनों बाद ट्रेन जर्नी, और आज अपना सीट है 63। कोच तो नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो ये रहा अपना सीट 63 विंडो साइड। सो गाइस तो ये रही अपनी कोच, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कोच का वॉशरूम। और मैं स्लीपर में इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मास नंबर ऑफ पैसेंजर स्लीपर में ही जर्नी करते हैं, इस वजह से हमने स्लीपर का ही टिकट करवाया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। ये सामने मिरर दिख रहा है, टैप है, सही है, साफ़ सफाई, ये डीसीपी रखा हुआ है, ये डस्टबिन है। चलते हैं अंदर। सो अभी हम आ गए हैं वॉशरूम में, अब देख ले। पहले ऐसा होता था कि वॉशरूम में आते थे तो बदबू देता था, लेकिन फिलहाल अभी स्ट्रीट में ऐसा नहीं है, बदबू नहीं दे रहा है और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। मिरर हल्का गंदा है, वो पानी का दाग लगा हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से मेंटेन किया गया, आप देख ले। नीचे मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भैया क्या बार बार नीचे दिखाते हैं, क्योंकि वॉशरूम का कंडीशन सही है। सो वॉशरूम से आप जब भी आए तो उसके बाद हैंड सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूले। मैंने ग्लव्स पहना था तो ग्लव्स को मैं उतारता हूँ और इसे भी मैं सैनिटाइज करूँगा, उसके बाद फिर हाथ को सैनिटाइज करूँगा। और गर्मी काफ़ी है, इस वजह से आप देख सकते हैं हाथ का पूरा पसीना पसीना, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो वैसे आप घर ही में देख सकते हैं 11:55 हो चुका है और अपनी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 12 से निकलने वाली है। आप हॉकिंग सुन सकते हैं और बिल्कुल टाइम से निकली है ट्रेन, देखते हैं ट्रेन टाइम से पहुंचाती है या नहीं कानपुर सेंट्रल, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि श्रमिक एक्सप्रेस के बारे में बताया जा रहा था कि ट्रेन काफ़ी लेट हो रही थी, क्या इस ट्रेन के साथ भी ऐसा होता है वो तो सुबह पता चलेगा।
63 सर। विश्वजीत कुमार। विश्वजीत? यस सर। ये देखिए, ये सभी को दिया गया है, इसमें लिखा हुआ आप सुरक्षित बे सुरक्षित। इसे मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा, वहाँ मैं इसको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जर्नी करने से पहले हमें क्या करना है नहीं करना है, वो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। पहले हम लोग स्किप किए थे गाजियाबाद जंक्शन, तो अब आपसे मुलाकात होगी सुबह में, जहाँ भी नींद खुल लेकर भी जा रहे हैं सोने के लिए, कोच में सभी लोग सो चुके हैं, हम ही सिर्फ जगे हुए हैं, तो आपसे मुलाकात करते हैं सुबह में। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम लोग आ चुके हैं पंकीधाम स्टेशन, और यहाँ पहुँचने का टाइमिंग था 5:40, मतलब ट्रेन 5 मिनट डिले पहुँचाई है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ट्रेन 10 मिनट बिफोर पंकीधाम स्टेशन से पहले आउटर पे रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ 5 मिनट डिले पहुँचाई है स्टेशन पे। पंकीधाम स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन से पहले यहाँ 27 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ सिर्फ 3 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और एक भी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। 3 ट्रेन कौन कौन है, एक है गोमती एक्सप्रेस, एक श्रम शक्ति एक्सप्रेस जिसे मैं जा रहा हूँ, एक है सिक्की महानंदा एक्सप्रेस। तो 3 ट्रेन हुई ना, यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। आप देख सकते हैं जितना भी पैसेंजर अभी उतर रहे हैं ट्रेन से, सबको खड़ा किया जा रहा है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मार्किंग किया गया है, वहाँ सबको खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, फिर यहाँ से लोग बाहर जाएंगे। सबका यहाँ भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है। वो देखिए, अनाथ हो गए दिन के बिना।
सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, और यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह 6:30, लेकिन हम लोग पहुँचे हैं बिफोर 20 मिनट, मतलब 6:10 में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, शायद यहाँ भी स्क्रीनिंग किया जाएगा। और बताया गया है कि घंटा घर साइड से निकलना है बाहर। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा स्लीपर में। तो बाहर निकलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। सो गाइज, तो थोड़ी देर पहले सभी के सामान को सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन पता नहीं लगभग 100 लोगों के बाद बंद कर दिया गया, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ तो अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, अगर होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर, उसके थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज की अपनी सफ़र यहीं तक की थी, और काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि भाई न्यू दिल्ली से कानपुर आएंगे तो क्या क्या चेक किया जाएगा। आपने तो देखा ही क्या क्या मेरे साथ हुआ, बस सेम वैसा ही आपके साथ होगा। न्यू दिल्ली स्टेशन पे सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, और कानपुर सेंट्रल पे भी किसी किसी को स्क्रीनिंग किया जा रहा है, किसी किसी को नहीं किया जा रहा। मतलब मैं जिस साइड से निकला हूँ उधर नहीं किया जा रहा था, उधर से जो भी निकले हैं उसको स्क्रीनिंग किया जा रहा था। और बस कोई पास वगैरह का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल घंटाघर साइड से हम लोग को निकाला गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का बस लगा हुआ है। यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं इलाहाबाद, उन्नाव, जहाँ भी जाना है बस लगा हुआ है। सभी लोग यहाँ से बैठ के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। हाँ, अब रही बात, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया क्या ज़रूरत था अभी जर्नी करने का। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पोल किया था इंस्टाग्राम पर क्या हमें जर्नी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको पोल का रिज़ल्ट बताता हूँ। पोल का रिज़ल्ट इस प्रकार है, मतलब 50-50 है, 50-50 है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों जर्नी किया। मैं इसलिए जर्नी किया क्योंकि मुझे दिखाना था लोगों को कि अब किस तरह से अभी जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी जर्नी करना है। वो लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि भैया एक बार जर्नी करके दिखाइए और बताइए कि किस तरह जर्नी करना है। इसलिए हमने जर्नी किया। और हाँ, अभी से लेके 3 महीना तक जो भी ब्लॉग आएगा, मतलब अगस्त तक जो भी ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पे, जो भी वीडियो आएगा, 3 मंथ का जितना भी अर्निंग हुआ गूगल एडसेंस का, वो सारा मैं अपने श्रमिक भाई को डोनेट करने वाला। श्रमिक भाई को मतलब पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूंगा क्या करूंगा, वो आपको पता चल जाएगा आगे। इंस्टाग्राम यूज़र आईडी आप देख लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा मैं क्या करूँगा। लेकिन अभी नहीं, जब अभी तो श्रमिक भाई लोग अभी आए हैं घर पर, फिर मुझे पता है फिर वहाँ से फिर जाएंगे मुंबई, दिल्ली, सभी जगह जाएंगे। तो जाएंगे ना तो फिर उस वक्त हम मदद करेंगे श्रमिक भाई का, ये मेरा वादा रहा। तो अभी एक व्लॉग आया है और इसके बाद एक व्लॉग और आएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ, लेकिन मुझे ये दिखाना था इस वजह से हमने ट्रैवल किया, बस यही था रीज़न। सो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखे, हंसते रहे, खाते रहे। हाँ, खाने की बात आई तो मैं आपको बता दूँ, हेल्दी खाना खाना होगा, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह जर्नी करते रहे अपने भाई के साथ। लगातार तो नहीं, अभी तो बहुत गैप के बाद वीडियो आएगा। और हाँ, मुझे पता है आप लोग अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। कल वीडियो लास्ट कर रहे थे तो ये भाई बहुत देर से हमें घूर रहे थे, फिर इन्होंने पूछा क्या आपका नाम VS मोनू है, हम बोले हाँ भाई। अब मुझे कितने दिन से वीडियो देख रहे हैं, मेरा 6 महीने, 6 महीना। वीडियो कैसा रहता है? अच्छा, काफ़ी जानकारी होती है उसमें। अच्छा, अभी आप क्या श्रम शक्ति एक्सप्रेस से ही आए हैं क्या? नहीं नहीं, हमको जाना है। कहाँ जाना है? औरैया जाना है। औरैया जाना है, तो बस से जाइए क्या? नहीं, ट्रेन से ही जाइए।
तो क्या नाम हुआ आपका? संदीप। संदीप नाम है। तो मतलब जहाँ भी जाते हैं तो प्यार करने वाले पहचान जाते हैं, मास्क मतलब लगाए हुए हैं फिर भी पहचान जाते हैं। बहुत देर तक ये मुझे घूरे, फिर बाद में इन्होंने हिम्मत करके पूछा। अच्छा लगता है, कोई मिलता है ना तो अच्छा लगता है। अभी हैंड तो सेक नहीं कर सकते।